نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا موسى اما ان تلقي واما ان نكون اول من القى قال بل القوا فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى فاوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم सूरत तौहा की आयत नंबर 65 था आयत नंबर 70। जैसा कि पहले गुजर चुका है कि हज़रत मूसा व हारून अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म पर फिरौन के पास पहुँचे और जाकर फिरौन को दावत दी और अपनी रिसालत का वहाँ पर ऐलान फरमाया और फिर फिरौन को वो मौजज़ात जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाए थे वो भी दिखाए तो चाहिए तो ये था कि फिरौन कलमा हक को सुनकर इताअत कबूल कर लेता और फिर मुंह मांगे मौजजात तलब कर लिए कि मुझे निशानी दिखाओ। तो जब निशानियां दिखा दी गईं, मौजजात दिखा दिए, तो उसको चाहिए था कि वो कबूल कर लेता हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दावत को, मगर वो अपनी ज़िद पर अड़ा रहा और उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मौजजात को जादू कहकर ठुकरा दिया, बल्कि साथ ही उसने कह दिया कि जादूगर तो हमारे यहाँ भी बहुत हैं, हम मुकाबला कराते हैं जादूगरों से आपका, फिर देखते हैं कि कौन जीतता है और कौन हारता है। चुनांचे उसके लिए तारीख मुकर्रर हो गई, वक्त मुकर्रर हो गया। तो जब सारी तैयारियां मुकाबले की मुकम्मल हो गईं, मुल्क भर से माहिर जादूगरों को फिरौन ने बुला लिया, तो तमाम लोग मुकर्रा तारीख और वक्त पर मैदान में जमा हो गए। तो जादूगर भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने आ गए। जादूगरों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुखातिब होकर कहा, क़ालू या मूसा इम्मा अन तुल्किया, ए मूसा अलैहिस्सलाम, क्या आप डालेंगे, व इम्मा अन नकूना अव्वल मन अल्का, या हम पहले डालने वाले होंगे। मतलब ये था कि मुकाबले की इब्तदा किस तरफ से हो, मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ से या जादूगरों की जानिब से। तो उसके जवाब में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़ाल बल अल्कु, बल्कि तुम ही डालो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जादूगरों को अपने फन का मुजाहरा पहले करने की दावत दे दी। जादूगरों के पास कुछ रस्सियां और कुछ लाठियां थीं। उन्होंने वो अपनी चीजें यानी रस्सियां और लाठियां जमीन पर फेंक कर मुकाबले की इब्तिदा की। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस सूरत हाल को इस तरह यहाँ पर बयान फरमाया है, फरमाया, फ़ाइज़ा हिबालुहुम वाइसियुहुम युखय्यलु इलैहि मिन सिहरिहिम अन्नहा तस्आ, जू ही जादूगरों ने अपनी रस्सियां और लाठियां फेंकी तो उनके जादू की वजह से मूसा अलैहिस्सलाम के ख्याल में वो इस तरह नजर आ रही थी गोया कि वो दौड़ रही हैं। सहर व जादू एक किस्म की नजरबंदी या करतब होता है, जो देखने वालों की निगाहों में कुछ और ही नजर आता है। जादू किसी चीज की हकीकत को नहीं बदल सकता, बल्कि हकीकत तो वैसी की वैसी ही रहती है, अलबत्ता फरेब नजर के जरिए हकीकत के बरखिलाफ नजर आता है। तो यहाँ भी फरमाती हैं कि ऐसा ही हुआ कि जादूगरों की लाठियां और रस्सियां दौड़ती हुई नजर आने लगी, तो रस्सियों और लाठियों को सांपों की सूरत में दौड़ता हुआ देखकर फ़ौजसफी नफ्सही खीफतम मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने जी में कुछ खौफ महसूस किया। यहाँ पर ये बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को खौफ किस बात का महसूस हुआ।
वो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत के भेजे हुए थे, अल्लाह के पैगंबर थे, वाज़ह निशानियां लेकर अल्लाह ही के हुक्म से आए थे। तो फिर ये खौफ का तज़किरा क्यों? तो मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम को जादू का खौफ नहीं था कि मैं उनसे शिकस्त खा जाऊंगा, खौफ इस बात का था कि उन्होंने लाठियां और रस्सियां डाली हैं और वो सांप बन गए, हजारों की तादाद में सांप नजर आ रहे हैं और मैं भी जब लाठी डालूंगा तो वो अजदहा बन जाएगा, सांप बन जाएगा, तो लोग फर्क किस तरह करेंगे कि ये मौजजा है और वो जादू है। लोग तो यही कहेंगे कि उन्होंने भी सांप बना दिए लाठियों रस्सियों से, मूसा अलैहिस्सलाम ने भी लाठी फेंकी और सांप बन गया, तो हक को बातिल की तमीज किस तरह होगी? एक खौफ तो इस बात का, और दूसरा फरमाती हैं कि वो ये वाक्य हुआ कि जिस वक्त लाठियां और रस्सियां फेंकी गईं जादूगरों की तरफ से और वो सांप बनकर हरकत करने लगे तो लोगों ने दौड़ना और भागना शुरू कर दिया, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को खौफ हुआ कि लोग चले न जाएं भाग कर, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बारी ही ना आए और लोग मेरा मौजदा देखने से पहले ही चले जाएं, तो लोगों को हक का कैसे पता चलेगा? फरमाती हैं कि ये खौफ था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को, उन्हें अपनी मगलूबियत का यानी मगलूब हो जाने का कतान खौफ नहीं था, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो उनके साथ वादा कर रखा था कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मुफस्सिरीन इकराम फरमाती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस मौका पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तसल्ली भी दी, फरमाया कुल ना ला तखफ, हमने कहा ए मूसा डरो मत, इन्नका अंतल आला, बेशक तुम ही गालिब रहोगे, लोगों को जल्द ही पता चल जाएगा कि सच कौन सा है और झूठ कौन सा है। हालांकि जादूगरों ने भी बहुत बड़ा करतब पेश किया था, सूरत आराफ में है, वजाऊ बिसहरिन अज़ीम, उन्होंने बहुत बड़ा जादू पेश किया, हजारों की तादाद में दौड़ते हुए सांप देखकर लोग दंग रह गए। तो इस करतब के जवाब में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया व अल्क़ी मा फी यमीनिक, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम डाल दो जो कुछ तुम्हारे दाएं हाथ में है, और यकीनन आपके दाएं हाथ में लाठी थी जो हमेशा आपके पास रहती थी और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसी को फेंकने का हुक्म दिया था, तो फरमाया उस लाठी को फेंको, तलकफ मा सनाउ, ये निगल जाएगी जो कुछ जादूगरों ने बनाया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने परवरदिगार आलम के हुक्म की तामील में अपनी लाठी को जमीन पर फेंक दिया तो वो एक अजदहा बनकर दौड़ने लगा जिसने जादूगरों की रस्सियों के सांपों को निगल लिया। तफसीरी रिवायात में ये भी आता है कि जब इस बड़े अजदहा ने फुंकारा तो फिरौन और उसके हवारियों पर दहशत तारी हो गई और उन्होंने डर के मारे भागने की कोशिश की। चूंकि जश्न का दिन था और सारी आवाम वहां पर जमा थी तो तमाम लोगों ने खुले मैदान में मुशाहिदा किया। फरमाते हैं कि लकफ का माना निगलना होता है, और एक रिवायत में आता है अल मुमिन वकाफ कि मोमिन आदमी हर हराम और मशकूक चीज से रुकने वाला होता है, वल मुनाफिक लकाफ और मुनाफिक हर जायज और नाजायज को निगल जाने वाला होता है। हदीस शरीफ में आता है कि जब भी कोई चीज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश की जाती तो आप दरियाफ्त फरमाते कि ये चीज क्या है और किसने भेजी है, अगर वो चीज खाने के काबिल होती तो आप उसकी तरफ हाथ बढ़ाते, अगर सदका होता या कोई मशकूक चीज होती तो कहते इसको उठा लो। इसी तरह हर मोमिन भी सिर्फ हलाल और तय्यब चीज की तरफ ही हाथ बढ़ाता है, जबकि फरमाया कि मुनाफिक हर जायज और नाजायज में तमीज ही नहीं करता, जो मिलता है उसे हजम कर जाता है। तो फरमाया ए मूसा अलैहिस्सलाम इस लाठी को फेंक दो, यह जादूगरों की बनावटी चीजों को निगल लेगी, इन्नमा सनउ कैदु साहिर, उन्होंने एक जादू का फरेब बनाया है।
हकीकत के मुकाबले में इनकी डाली हुई रस्सियों और लाठियों की क्या हैसियत है। और फरमाया कि याद रखो, वला युफलिहु साहिरु हैथु अता, जहां से भी आए जादूगर कभी कामयाब नहीं हो सकता। इन तमाम जादूगरों को भी मुंह की खानी पड़ेगी और इनकी सारी तदबीरें नाकाम हो जाएंगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब लाठी डाली, अजदहा बन गया और उस अजदहा ने जादूगरों के छोटे छोटे सारे सांप निगल लिए तो जादूगर बेबस हो गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म मिला कि अब दोबारा इसको पकड़ लीजिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दोबारा उसको पकड़ लिया तो वो असवा बन गया, लाठी बन गई। लेकिन देखकर सारे हैरान रह गए कि हजारों रस्सियों और हजारों लाठियों को निगलने के बावजूद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी और असवा का न साइज बड़ा है, न मोटाई में और न लंबाई में, जितना असवा था उतना ही रहा। तो जादूगरों ने जब देखा कि उनके हाथ में कुछ नहीं रहा तो उस मौके पर उन्होंने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। फअल्क़िया सहरतु सुज्जदा, और सारे जादूगर सजदा में गिर पड़े। वो समझ गए कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जादूगर नहीं हैं बल्कि अल्लाह के नबी हैं, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके हाथ पर यह मौजज़ा जाहिर करके हमारे जादू को नाकाम बना दिया है। तो उस वक्त قالوا آمنا برب هارون وموسى, वो जादूगर कहने लगे, हम ईमान ले आए हैं हारून और मूसा अलैहिम सलाम के परवरदिगार पर। वो कहने लगे, हम गलत फहमी का शिकार थे, रब तो वही है जो मूसा अलैहिस्सलाम का रब है, जो हारून अलैहिस्सलाम का रब है। अब दुनिया का दस्तूर भी यही है कि जब मुकदमे का वकील हार जाए तो मुअक्कल की हार होती है। ये नहीं हो सकता कि वकील हार जाए और मुअक्कल कहे कि मैं जीत गया हूँ। तो इंसाफ का तकाजा तो ये था कि जब फिरौन के मुअक्कलों ने हार मान ली और मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए, फिरौन भी हार मान कर ईमान ले आता और अपनी गलती को तस्लीम करता और कहता कि हम गलती पर थे, ना हक मुकाबला किया। मगर फिरौन अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने जो कार्रवाई की वो इसके बिल्कुल बरअक्स है। उसने जादूगरों को जो ईमान ले आए उनको धमकियां देना शुरू कर दी, उन्हें धमकाना शुरू कर दिया, डराना शुरू कर दिया और उनको सजा देने का ऐलान भी कर दिया। अगले दस में इंशाअल्लाह उसकी तफसील आएगी। वह आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।